हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। चलिए, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ये, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पीछे की कुछ क्लासों में हमने कुछ रूल पढ़ लिए थे, तो आज हम उन रूल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। जैसे आज की हमारी जो बात है वो किस पे होगी? आज की हमारी बात है एक तो आइदर ऑफ, पेन को थोड़ा कर दे मोटा, इतना भी नहीं इतना, ठीक है ठीक है। एक है आइदर ऑफ, एक होता है नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, एक होता है वन ऑफ, और एक होता है नन ऑफ। इसके अलावा एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर नोर, आइदर और नाइदर नोर। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन सब की बात आज अपन इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी बात करते हैं कि क्या रूल होते हैं इनके। सबसे पहले आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ की बात करूं मैं, तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ जो होता है, इसके बाद यहां पर जो भी सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? सब्जेक्ट तो होता है प्लूरल, और यहां पर जो इसके साथ वर्ब यूज होती है, वर्ब कैसी यूज होती है? वर्ब यूज होती है सिंगुलर। और इसके बाद आगे जो भी नाउन प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी वो भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन इस चीज को समझते हैं, इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? देखो, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है इस तरह का कि आइदर ऑफ माई टू स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ माई टू स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास। ये सेंटेंस है, कोई एरर वाला क्वेश्चन है ये। अब अपन को यहाँ पर एरर फाइंड आउट करनी है। मान लो कि ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, और ये सेंटेंस का है हमारा बी पार्ट, और ये सेंटेंस का है हमारा सी पार्ट, और ये है डी। अब इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, इसके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, तो ये स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए बात तो ठीक है। आगे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ पर आर आर दे रखा है, आर डी होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इज, आइदर ऑफ माई टू स्टूडेंट्स इज मेकिंग ए नॉइस। तो यहाँ पर एरर है बी पार्ट में, इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, हम पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ टू बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इससे। पहले टाइप का हमने ऊपर देख लिया कि वर्ब वाली मिस्टेक हो सकती है, और ये इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये इसका बी पार्ट है, और ये इसका सी पार्ट है, और ये इसका डी पार्ट है। अब हमने देखा कि आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ के साथ सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल। तो यहाँ पर देखा बॉयज, ये तो करेक्ट है। वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, तो ये वर्ब भी सिंगुलर है। आगे भी जो नाउन प्रोनाउन होता है ना वो भी सिंगुलर होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या दे रहा है? ये देयर दे रहा है, तो ये देयर नहीं होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हिज। नाइदर ऑफ टू बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तीसरे टाइप की एरर भी हो सकती है इसमें। तीसरे टाइप की एरर क्या हो सकती है? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आइदर ऑफ माई टू ब्रदर्स, आइदर ऑफ माई टू ब्रदर इज कमिंग हेयर, इज कमिंग हेयर।
मान लो ये क्वेश्चन है। अब देखो आइदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल होनी चाहिए ना, तो टू ब्रदर नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, टू ब्रदर्स होना चाहिए। ये मिस्टेक यहां पर है। और भी मिस्टेक हो सकती है कि एक चीज इसी से रिलेटेड, चलो अगले अगले पेज पर देखते हैं उसको। एक और भी, एक तो ये कॉन्सेप्ट बनता है इससे, ए नंबर का कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए और आगे जो भी नाउन प्रोनाउन होना चाहिए वो भी सिंगुलर। तो एक तो इस तरह से वर्ब वाली गलती हो सकती है, एक इस तरह से प्रोनाउन वाली गलती हो सकती है आगे, और एक इस तरह से ये जो सब्जेक्ट दे रखा है ना इसके साथ नाउन प्रोनाउन जो भी है ये यहाँ पर जो है ये मिस्टेक हो सकती है। तो ये तीन जगह आपको जगह इनकी पता होनी चाहिए कि आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ अगर कोई सेंटेंस आता है तो एरर कहाँ कहाँ हो सकती है। एरर वर्ब वाली हो सकती है, एरर ये नाउन प्रोनाउन वाली हो सकती है जो कि सिंगुलर होना चाहिए, और एरर जस्ट इसके बाद वाली जो है वो भी हो सकती है। लेकिन ये इनसे रिलेटेड ए कॉन्सेप्ट था, इसके एक बी कॉन्सेप्ट की भी अपन बात करेंगे। बी कॉन्सेप्ट क्या है, बी कॉन्सेप्ट जो है ना उसका वो इस तरह से है कि मान लो ये क्वेश्चन हो कि नाइदर ऑफ माई थ्री स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ माई थ्री स्टूडेंट्स ओबेड मी, मान लो ये सेंटेंस है नाइदर ऑफ माई थ्री स्टूडेंट्स ओबेड मी, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसका ए पार्ट हो गया, ये हो गया बी पार्ट, इसको स्टूडेंट्स कर लेते हैं बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब हमने देखा कि यहाँ पर आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब तो खैर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेम ही रहती है। तो ना तो ये वाली मिस्टेक है ना ये वाली मिस्टेक है, अब मिस्टेक कुछ और है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पर कितने हैं, थ्री, जबकि आइदर नाइदर का प्रयोग ओनली टू के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए आइदर नाइदर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नन ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि आइदर नाइदर का यूज दो के लिए होता है। इसलिए जो हम कॉन्सेप्ट नंबर बी की बात कर रहे थे ना, वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, बी कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आइदर या नाइदर, आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, इसका यूज कितने लोगों के लिए होता है, इसका यूज ओनली टू के लिए होता है। और अगर दो से ज्यादा होता है तब किसका यूज होगा, अगर अपने ज्यादा की बात होगी तो फिर हम वन ऑफ का भी यूज कर सकते हैं और हम नन ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वन ऑफ नन ऑफ जो है ये कितने लोगों के लिए यूज होता है, मोर देन टू के लिए। मोर देन टू की बात होगी तो फिर हम वन ऑफ या नन ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट कह रहा है। अब यहां पर कितने थे, तीन थे, तीन थे तो दो से ज्यादा है ना, तो फिर नाइदर ऑफ यहां पर गलत है, यहां पर होना चाहिए नन ऑफ। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहां, कि मान लो ये क्वेश्चन था कि नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चार पुत्रों में से भी कोई भी पुत्र उसकी सेवा नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है। मान लो ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस का ए पार्ट हो गया, ये सेंटेंस का बी पार्ट हो गया, ये सेंटेंस का सी पार्ट हो गया, और ये डी। अब हमने देखा फिर कितने पुत्र हैं, फोर सन्स हैं, तो फिर यहां पर नाइदर नहीं आ सकता, यहां पर क्या होना चाहिए, नन ऑफ होना चाहिए। इस तरह से आपको ये बात समझनी है कि आइदर नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए होता है और आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। एक कॉन्सेप्ट और है इसका, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट पर एक सेंटेंस देखते हैं। पहले एक सेंटेंस देखेंगे फिर मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। मैं यहां पर पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, और क्वेश्चन क्या है कि नाइदर नाइदर शी, नाइदर शी ओनली एस एच ई है बच्चों इसको समझना, नाइदर शी और सॉरी नोर हर चिल्ड्रन इज कमिंग हियर, ये क्वेश्चन है। नाइदर शी नोर हर चिल्ड्रन इज कमिंग हियर, ये क्वेश्चन है, और ये नो एरर एन ई लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में।
अब देखो यहां पर क्या मिस्टेक है, इस मिस्टेक को समझने के लिए अपने को ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, मान लो यहां पर नाइदर है, नाइदर लिखा मैंने, आइदर भी हो सकता है, नाइदर नोर है, या फिर सेंटेंस में किसका यूज है, आइदर ओर है, आइदर ओर है या नाइदर नोर है, एक सब्जेक्ट यहां पर है S1 और एक सब्जेक्ट यहां है, और इसी तरह एक सब्जेक्ट यहाँ है और एक सब्जेक्ट यहाँ है। अगर दो सब्जेक्ट आपस में आइदर और से जुड़े हुए हैं चाहे नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ होगा तो फिर ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे दोस्तों, ऐसे सेंटेंस में वर्ब किसके हिसाब से आएगी, ऐसे सेंटेंस में वर्ब जो आएगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। एक सेकेंड थोड़ा माइक लगा लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी, आवाज वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। आइदर ओर और से से या या नाइदर नाइदर नोर नोर से से जब जब भी भी दो दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जुड़े जुड़े होते होते हैं, हैं, आइदर आइदर ओर ओर या या नाइदर नाइदर नोर नोर से, से, सॉरी सॉरी ये ये नाइदर नाइदर नोर नोर है है और और ये ये आइदर आइदर ओर ओर है। है, आइदर आइदर ओर ओर या या नाइदर नाइदर नोर नोर हो, इससे इससे जब जब भी भी दो दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जुड़े जुड़े होते होते हैं हैं तो तो जो जो वर्ब वर्ब का का यूज यूज होगा, होगा वर्ब, वर्ब ये ये हमेशा हमेशा बाद बाद वाले वाले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के के अनुसार अनुसार आएगी, आएगी, इसके इसके अनुसार अनुसार आएगी। आएगी। जब जब हमने हमने देखा देखा कि कि यहाँ यहाँ पर पर दो दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं, हैं, एक एक तो तो शी शी और और एक एक हर हर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, दो दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है हैं, और और दोनों दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्ट किससे किससे जुड़े जुड़े हुए हुए हैं, हैं, नाइदर नाइदर नोर नोर से से, वर्ब वर्ब किसके किसके अनुसार अनुसार आएगी, आएगी, बाद बाद वाले वाले के के अनुसार, अनुसार, चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्लूरल प्लूरल है, है, तो तो यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या आना आना चाहिए, चाहिए, यहाँ यहाँ पर पर आ आ आना आना चाहिए। चाहिए। इसलिए इसलिए यहाँ यहाँ पर पर ये ये जो जो है है मिस्टेक मिस्टेक है। है। अब अब हमने हमने देखा देखा ऊपर ऊपर जो जो हमने हमने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की की बात बात की की थी थी वो वो एक एक तो तो ये ये था था कि कि आइदर आइदर ऑफ ऑफ नाइदर नाइदर ऑफ ऑफ और और एक एक वन वन ऑफ ऑफ नन नन ऑफ, ऑफ, तो तो ये ये चारों चारों चीजें चीजें होगी होगी हमारी, हमारी कि कि आइदर आइदर नाइदर नाइदर का का प्रयोग प्रयोग ओनली ओनली टू टू के के लिए लिए होता होता है है और और वन वन ऑफ ऑफ नन नन ऑफ ऑफ का का प्रयोग प्रयोग जो जो होता होता है है वो वो मोर मोर देन देन टू टू के के लिए लिए होता होता है। है। और और यहाँ यहाँ पर पर इसकी इसकी भी भी बात बात कर कर ली ली हमने हमने कि कि आइदर आइदर और और या या नाइदर नाइदर नोर नोर से से अगर अगर दो दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जुड़े जुड़े होते होते हैं, हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन वन और और सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू, टू, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन वन और और सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू, टू, तो तो वर्ब वर्ब का का प्रयोग प्रयोग जो जो होता होता है है वो वो सेकेंड सेकेंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट के के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आता आता है। है। अब अब इस इस हिसाब हिसाब से से मैं मैं आपको आपको कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे रहा रहा हूँ हूँ और और इन्हीं इन्हीं छह छह कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर पर आप आप मुझे मुझे बताना बताना कि कि सेंटेंस सेंटेंस में में क्या क्या मिस्टेक मिस्टेक हो हो सकती सकती है, है, कि कि सेंटेंस सेंटेंस में में क्या क्या मिस्टेक मिस्टेक होती होती है। है। देखो देखो एक एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर कर लेते लेते हैं हैं आज आज अपन, अपन, अपनी अपनी एक्सरसाइज एक्सरसाइज में में मैं मैं आपको आपको कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे रहा रहा हूँ, हूँ, आप आप मुझे मुझे कमेंट कमेंट में में आंसर आंसर देंगे। देंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन ये ये है है कि कि नन ऑफ, नन ऑफ टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग 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 और और नो नो एरर, एरर, नन नन ऑफ ऑफ टू टू बुक्स बुक्स इज इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का है है बी बी पार्ट, पार्ट, ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का है है सी सी पार्ट पार्ट और और ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का है है डी डी पार्ट। पार्ट। ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन हो हो गया। गया। इसी इसी तरह तरह क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टू टू है है कि कि नाइदर 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 प्रिंसिपल प्रिंसिपल नाइदर नाइदर प्रिंसिपल प्रिंसिपल नोर नोर टीचर्स, टीचर्स नोर नोर टीचर्स टीचर्स आर आर कमिंग कमिंग हियर, हियर, कमिंग कमिंग हियर हियर और और नो नो एरर। एरर। ये ये है है अपना अपना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर दूसरा। दूसरा। ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का ए ए पार्ट पार्ट हो हो गया, गया, ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का बी बी पार्ट पार्ट हो हो गया, गया, ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का सी सी पार्ट पार्ट और और ये ये डी डी पार्ट। पार्ट। इसके इसके बाद बाद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर थर्ड थर्ड की की बात बात करते करते हैं। हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर थर्ड थर्ड है है कि कि आइदर आइदर ऑफ, ऑफ आइदर आइदर ऑफ ऑफ माई माई टू टू नॉवल्स, नॉवल्स, माई माई टू टू नॉवल्स नॉवल्स आर आर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, आइदर आइदर ऑफ ऑफ माई माई टू टू नॉवल्स नॉवल्स आर आर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और और नो नो एरर। एरर। ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का है है ए ए पार्ट, पार्ट, ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का है है बी बी पार्ट, पार्ट, ये ये सेंटेंस सेंटेंस का का है है सी सी पार्ट पार्ट और और ये ये है है डी। डी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फिर फिर फोर फोर है, है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फोर फोर है है कि नाइदर नाइदर ऑफ, नाइदर नाइदर ऑफ ऑफ योर योर फोर, फोर एफ एफ ओ ओ यू यू आर आर सॉरी, सॉरी, नाइदर नाइदर ऑफ ऑफ योर योर फोर फोर बुक्स बुक्स इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इज इज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और और ये ये नो नो एरर। एरर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फोर्थ फोर्थ का का ये ये पहला पहला पार्ट, पार्ट, ये ये बी बी पार्ट, पार्ट, ये ये सी सी पार्ट पार्ट और और ये ये डी। डी। और और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फाइव फाइव है है
कि नाइदर नाइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड दिस वर्क और नोवेयर। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट, ये सेंटेंस का बी पार्ट और ये सी और ये नो। नाइदर और नोर, ठीक है, नाइदर और लिखा मैंने। अब देखो इस सेंटेंस में, किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है इसको अपन देखते हैं। यहाँ पर कितने बुक्स की बात हो रही है, टू बुक्स की बात हो रही है, तो फिर नन ऑफ कैसे आ सकता है? यहाँ पर क्या आना चाहिए? नाइदर। आप रहने दो, मैं ही बता रहा हूँ सर, आप तो ध्यान दे देना, बस आप एग्जाम में ये गलती मत करके आना, ठीक है। नाइदर ऑफ टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टू बुक्स की बात हो रही है, तो नन ऑफ या वन ऑफ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए तो सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस के ए पार्ट में है। अब हम लिख रहे नाइदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स। एक सब्जेक्ट तो हमारा प्रिंसिपल है और दूसरा सब्जेक्ट हमारा टीचर्स है, और दोनों सब्जेक्ट जो है नाइदर नॉर से जुड़े हैं। नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो टीचर्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसी तरह ये कह रहा है कि आइदर ऑफ माय टू नॉवेल्स, तो आइदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, ठीक है। वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो वर्ब तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? इज होनी चाहिए। इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। उसके बाद है नाइदर ऑफ योर फोर बुक्स इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर कितने बुक्स हैं? फोर बुक्स हैं, तो फिर नाइदर ऑफ का यूज नहीं होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए वन ऑफ या नन ऑफ का यूज, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नन ऑफ योर फोर बुक्स इज इंटरेस्टिंग, तो इस सेंटेंस के ये पार्ट में है। नाइदर जॉन और, अब देखो नाइदर के साथ जोड़ा और नहीं बनाता, नाइदर के साथ जोड़ा बनाता है कौन? नोर। तो इस तरह की जोड़े वाली मिस्टेक भी हो सकती है। दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, जॉन और हिज फ्रेंड्स, और वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब वाली कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर इसके जोड़े को गलत बना दिया गया है, जो कि सेंटेंस में एरर है। तो बच्चों देखते रहे इस क्लास को, ये क्लास नंबर थर्ड थी। एग्जाम तक हम बहुत सारी क्लासेस करेंगे, ग्रामर कंप्लीट करने के बाद हम वो के भी पढ़ेंगे, तो मैं पूरी ग्रामर नहीं कराकर जो मेन मेन चीज है आपको वो सिर्फ वही बता रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा में कुछ फायदा मिल सके। तो क्लास से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के बीच में जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो इवन एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का भी पेपर है, उन दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके, जितना भी फायदा होने वाला होगा। तो अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक नमस्कार।